हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। चूंकि यदि एग्ज़ाम की नज़र से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आराम से बन जाते हैं और मैं बहुत ईजिली और बहुत सिंपल वे में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी क्या कहते हैं, इन्होंने 11 विभाजन किए हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के। तो अपन देखते हैं इन्होंने किस विभाजन को क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले आता है चारण काल, सन 700 से लेके 1300 ईस्वी तक। फिर आता है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। नंबर 3 मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। नंबर 4 ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य, सन 1500 से 1600 ईस्वी। नंबर 5 मुगल दरबार। नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 7 रीति काव्य, सन 1580 से 1692 ईस्वी तक। नंबर 8 तुलसीदास के अन्य परवर्ती, सन 1600 से 1700 ईस्वी तक। फिर आता है नंबर 9 पे 18वीं शताब्दी, जो कि सन 1700 से 1800 ईस्वी तक चला। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो कि सन 1800 से 1857 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जो कि सन 1857 से 1887 ईस्वी तक माना गया। तो ये तो हुआ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन और उनके नामकरण। पर इसको हमारे हिंदी साहित्य में अपनाया नहीं गया, पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपना मत लेकर आते हैं मिश्र बंधु। तो क्या कहते हैं मिश्र बंधु, आइए देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहला प्रारंभिक काल, फिर नंबर 2 माध्यमिक काल, नंबर 3 अलंकृत काल, नंबर 4 परिवर्तन काल, नंबर 5 वर्तमान काल। अब हम इनको इन डिटेल देखेंगे। तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल को संवत 700 से लेके 1343 विक्रमी संवत तक माना है। वहीं उत्तर आरंभिक काल को संवत 1344 से लेके 1444 विक्रमी तक माना है, ठीक है। इसके बाद माध्यमिक काल आता है, इसमें भी पूर्व माध्यमिक काल है और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल है। तो पूर्व माध्यमिक काल को संवत 1445 से 1560 विक्रमी तक रखते हैं। वहीं प्रौढ़ माध्यमिक काल को संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक रखते हैं। इसके बाद आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल में भी 2 भाग होते हैं, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल में हम गणना करते हैं संवत 1681 से लेकर 1790 विक्रमी तक। वहीं उत्तरालंकृत काल की गणना इन्होंने की है संवत 1791 से लेकर 1889 विक्रमी तक। इसके बाद आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की गणना मिश्र बंधु करते हैं 1890 से लेकर 1925 विक्रमी, या कह सकते हैं कि अब तक। और वर्तमान काल की करते हैं ये संवत 1926 से लेके अब तक, जो जितना भी चल रहा है। चलिए ये तो हुई मिश्र बंधुओं की बात, इसको भी पूर्ण रूप से मानक नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी हिंदी साहित्य में जो अपने आप में मील का पत्थर समझे जाते हैं, जिनकी किसी भी बात को नकारा नहीं जाता है और इन्होंने बहुत काम किया है हिंदी साहित्य पे। एक भूमिका को ही इन्होंने पूरी पुस्तक के जितना बड़ा लिखा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी क्या पकड़ रही होगी हिंदी साहित्य पर। चलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं हम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्यकाल। वीरगाथा काल की इन्होंने क्या अवधि मानी है, संवत 1050 से लेके 1375 विक्रमी। भक्ति काल की अवधि इन्होंने मानी है संवत 1375 से लेके 1700 विक्रमी। और रीतिकाल की अवधि इन्होंने मानी है संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी। गद्यकाल
की अवधि इन्होंने मानी है संवत 1900 से लेके 1984 विक्रमी। यही मैं आपको बता दूं कि मानक रूप भी सुन लीजिए, वीरगाथा काल को आदिकाल कहा गया, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल और गद्य काल को आधुनिक काल। तो इस प्रकार हिंदी के चार काल विभाजन हैं और इनको ही मानक माना गया है, और इनका जो समय अवधि है वो भी वही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, इसी को मानक रूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद बारी आती है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन की, जो कि हम फटाफट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया है। सबसे पहला काल प्रारंभिक काल, जो कि दो भागों में बांटा गया। नंबर एक संधि काल, जिसको उन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रमी तक माना है। वहीं दूसरा है चारण काल, जिसको उन्होंने संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक माना है। नंबर दो पर आता है भक्ति काल। भक्ति काल की गणना इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक की है। नंबर तीन पर ये रखते हैं रीति काल को। रीति काल की गणना इन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक की है, और आधुनिक काल की गणना इन्होंने संवत 1900 से अब तक की है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ओर। इन्होंने भी हिंदी को चार भागों में विभाजित किया है, हिंदी साहित्य को। तो आइए अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चार हिंदी के काल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चार कालों के जो नाम दिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आदिकाल, संवत 1000 से 1350 विक्रमी तक। नंबर दो भक्तिकाल, संवत 1350 से लेके 1700 विक्रमी तक। नंबर तीन रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। नंबर चार आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर अब तक। इसके बाद आती है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया हिंदी का काल विभाजन और नामकरण की बारी, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको ना पढ़ते हुए सीधे डॉक्टर नगेंद्र पर आएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, और उन्होंने भी इसको चार भागों में विभाजित किया है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो आधुनिक काल है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र नंबर एक पे रखते हैं आदिकाल को, जो कि 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक वो इसकी गणना मानते हैं। वहीं भक्ति काल को वो 14वीं शती से शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानते हैं। रीति काल को 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक मानते हैं, और आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक मानते हैं। तो आधुनिक काल में चार और उन्होंने इसके भाग बताए हैं, वो इस प्रकार हैं। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग से मानते हैं 1857 से 1900 तक। फिर उसके बाद जागरण सुधार काल, जिसको हम द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं, 1900 से 1918 तक। फिर इसके बाद बारी आती है छायावाद की, जो कि 1918 से 1938 तक माना जाता है। छायावादोत्तर काल, इसके अंदर भी दो खंड आ जाते हैं, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल को ये मानते हैं सन 1938 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल को ये मानते हैं 1953 ईस्वी से अब तक। चलिए तो अब बढ़ते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के काल विभाजन की ओर। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति। सबसे पहले इन्होंने रखा है आदिकाल को, जिसे ये वीरगाथा काल भी नाम दे रहे हैं, जो कि शुक्ल जी ने दिया था, सन 1000 से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद ये रखते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहा है, सन 1350 से 1650 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, जो कि रीतिकाल कहा गया है, सन 1650 से 1850 इसके बाद आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा गया है, ये सन 1850 से अब तक माना जाता है।
तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बाद बारी आती है डॉक्टर बच्चन सिंह की। इनका भी काल विभाजन एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया है, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, भक्ति काल की ये अवधि बताते हैं 1400 से 1650 ईस्वी तक, रीति काल की अवधि बताते हैं सन 1650 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल की अवधि बताते हैं सन 1857 से अब तक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं, इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आप सभी से। और यदि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और इस वीडियो में अगर कोई समस्या आई हो तो वो भी बताएं, समस्या का समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।